नमस्कार जोहार, टीवी 45 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। गिरडी लोकसभा प्रत्याशी जयराम महतो नामांकन भरते हैं बोकारो से। उसके बाद से एक तस्वीरें सामने आती हैं कि पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचती है। अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिस दिन जयराम महतो नामांकन करते हैं उसी दिन पुलिस प्रशासन वहां क्यों पहुंचती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि जो मुकदमा उन पर किया गया था उसकी उनको कोई भी जानकारी नहीं थी, और 2 साल पहले विधानसभा घेराव का जो बात चल रही थी उसके बारे में उनको लेकर कोई जानकारी नहीं थी। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले उन्हें नोटिस दिया जाता तो भी वो कहते कि मैं कहीं ना कहीं उसका जवाब देता, क्योंकि कई सारे मुकदमे पहले से भी उनके ऊपर थे। ये जो मुकदमा उन पे किया जाता है विधानसभा घेराव का, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। तो अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम आपको बता दें कि वो भूमिगत चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें ढूंढ रही है, खोजबीन जारी है। आगे उनकी रणनीति क्या हो सकती है जयराम महतो, आगे अब कौन से ऐसे रणनीति है जो बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पे चर्चा करने के लिए हम सीधे मनमोहन सर से बातचीत करेंगे। इस पे सर, जिस तरह से जयराम महतो नामांकन करने पहुंचते हैं बोकारो, उसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए वहां पहुंचती है, फिर तस्वीरें हम एक देखते हैं वहां पे कि तमाम समर्थक वहां पे एकजुट हो जाते हैं, तमाम लोग वहां पे एकजुट हो जाते हैं, और शायद बोकारो में वो तस्वीरें पिछले 10 साल में किसी ने नहीं देखी होंगी जो तस्वीरें हमने नामांकन के दिन देखी। तो अब आपको क्या लगता है, अभी वो भूमिगत चल रहे हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि कई लोग ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि अगर वो भूमिगत नहीं होते तो शायद वो ज्यादा एक्शन लेते, लेकिन अगर वो भूमिगत हो गए तो ये कहीं ना कहीं जयराम महतो का गलत डिसीजन है। तो आप इसे किस तरह से? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं साक्षी, जयराम महतो के नॉमिनेशन के दिन जयराम महतो ने जो भी जयराम महतो के साथ हुआ, जो उनको जो उनके ऊपर में कार्रवाई की गई थी, और जिस मामले को लेकर, मतलब कि एक मामला उनके ऊपर था 2022 का विधानसभा घेराव को लेकर के, उस मामले पर उनको उस दिन नोटिस, जिस तरह से कहा गया था कि नोटिस सर्व किया जाए, लेकिन 41A का नोटिस नहीं मिला, जिसके वजह से उनके समर्थक और उनके साथियों ने बवाल काटा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ठीक है 41A का नोटिस नहीं दिया गया उनको, जब वो नॉमिनेशन करके बाहर निकले उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, वहाँ खुद जो लॉ एंड ऑर्डर DSP हैं और वहाँ के जो थाना अधिकारी वो मौजूद थे, और उन्होंने चाह कि जयराम महतो यहाँ सरेंडर कर दे और इनको ले जा करके हम लोग अपने 353 का जो मामला है उस पर उनको कार्रवाई की जाए, ठीक है। हालांकि उनके समर्थकों का जो भी वहाँ पर रोष देखा जाए या उबाल देखा जाए कि जयराम की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, जयराम को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, जिस तरह का उन्होंने बवाल काटा वो सबने देखा, हमने चैनल में दिखाया भी, लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उसने बवालों के बाद में भी अगर जयराम को प्रशासन ने परमिशन दे दिया कि आप एक संभावना के तहत में आप अपना जो भी अपना प्रोग्राम है आप अपना कर लीजिए, अपना संबोधन कर लीजिए, अपने जनसभा को अपने संबोधन करके आप प्रशासन में अपना जो भी चीज है आपको दिया गया, लेकिन वहां से जो यूटर्न हुआ प्रशासन के साथ में, जिस तरह से प्रशासन ने उनको परमिशन दिया जनसभा करने का, लेकिन प्रशासन ने जनसभा परमिशन करने के बाद में और जनसभा उन्होंने जब कर लिया, फिर वहां पर वही रोज की इनकी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, ये मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं जयराम के लिए उल्टा पड़ सकता है। और ये आप कहीं ना कहीं किसी रूप में, आप अगर मैं देखूं आपको, तो अगर आज मैं इसकी बात करूं तो आपने देखा होगा कि जयराम भले आज वहां से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, चले गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के बावजूद उनके जितने समर्थक थे, हजारों लोगों के ऊपर आपको बता दूं FIR हो चुके हैं मैंने उनके ऊपर, और उनके जो साथी थे वो भूमिगत हो गए, जो उनके एक साथी थे रिजवान खान उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो उनके जो जितने भी उनके जो करीबी साथी थे वो भूमिगत हो चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जयराम का ये डिसीजन और उनके सलाहकार का ये डिसीजन कहीं कहीं उनके लिए भारी पड़ सकता है साक्षी। यूटर्न की जो आप बात कर रहे हैं सर, कि यूटर्न जब उनको वहाँ पे जनसभा संबोधित करने का मौका भी दे दिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ सकता था, तो आपको क्या लगता है कि जो ये डिसीजन लिया है उन्होंने भूमिगत होने का, आपको क्या लगता है उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था कब, क्योंकि नॉमिनेशन रद्द करने की भी बात कही जा? मुझे लगता है जब यहाँ पर देखिए, इस अभी मैं आपको सबसे पहले ये समझाने को, ये कोई सरकार नहीं चल रही है अभी, क्योंकि अभी आचार संहिता का मामला है और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो जयराम उसमें बड़े नहीं है और जयराम से बड़े अधिकारी नहीं है, तो इसलिए अधिकारियों पे उस जगह पर उनको कहीं ना कहीं किसी रूप में उनका सपोर्ट करना चाहिए था, जब क्योंकि देखिए अधिकारियों ने उनकी बात मानी, उनके समर्थकों की बात मानी, उनकी बात सुनी गई, उनको जनसभा करने का परमिशन दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इस जगह पर जयराम का जो डिसीजन था उनके
समर्थकों का जो डिसीजन था ये गलत है कि जयराम को यदि जनसभा करने का परमिशन दी गई तो इस जनसभा करने के बाद में उनको सरकार के तरफ जो भी उनके नुमाइंदे आए हुए थे, जो अधिकारी आए थे, उनको अपना सरेंडर कर देना चाहिए था। अगर आज वो सरेंडर करते तो मुझे लगता कि ये स्थिति नहीं बनती कि आज जयराम को भगोड़ा घोषित किया जाए। ठीक है, आज जिस तरह से जयराम के लोग बात कर रहे हैं, अधिकारी चाहे प्रशासन जयराम को भगोड़ा बोल रहे हैं या जयराम भूमिगत हो गए, जो भी जयराम के लिए रहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी आज हम लोगों ने अपने न्यूज चैनल में जब हम लोग आज सर्च कर रहे थे तो आपने देखा कि जयराम आज इतने बड़े कैसे बन गए। जयराम को बड़ा बनाने के पीछे भाषाई उपज, आपको पता है भाषा की पकड़ है उनमें, पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड हैं, और वो जब वो चीज़ों को समझते हैं और वो नब्ज को जानते हैं कि मैं कहाँ पर कौन सी बात रखूँगा कि मेरे हिसाब से भीड़ मौजूद रहेगी। क्योंकि आपको ये बात मैं ये भी बता दूँ कि जयराम 1932 से खतियान पर हमेशा मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन आपने पिछले कुछ महीनों से जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है पिछले 3 महीने से जयराम ने 1932 खतियान के बारे में बोलना बंद कर दिया। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं, ये जो भीड़ थी ये भीड़ जयराम की बोकारो और धनबाद की भीड़ नहीं थी, ये भीड़ गिरिडीह की भीड़ नहीं थी, पूरे झारखंड से जहां भी जयराम की एक पकड़ है पूरे झारखंड से उनके नॉमिनेशन के लोग पहुंचे हुए थे। और सोशल मीडिया, मैं कह सकता सोशल मीडिया के स्टार है जयराम, तो सोशल मीडिया में ऐसी उपज को देखते हुए लोग जयराम के बुलावे पर पहुंचे थे उनके नॉमिनेशन में। लेकिन ठीक, आप इसके उलट अगर देखेंगे तो जयराम की ऐसी नहीं है कि पकड़ नहीं, जयराम की पकड़ है, भाषाई उपज के आंदोलन से आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, उनके साथी भी कई लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन उस जगह से अगर आप बात करें, आज अब जो पेपर में एक इश्तिहार छपा है, मैं वो पेपर का इश्तिहार आपको दिखाना चाहूँगा। इस पेपर में उनके जो प्रस्तावक हैं उनके बारे में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उनमें कहीं त्रुटि पाई गई है, अगर वो 7 तारीख को 12 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं तो शायद जयराम का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से जयराम ने एक माहौल बनाया था और लोग ये बात कहने भी लगे थे शायद जयराम का पलड़ा अब गिरिडीह में भारी हो सकता है, चंद्रप्रकाश चौधरी पर वो भारी पड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब जयराम भूमिगत हुए हैं उसी के बीच में देखिए उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय बोकारो निर्वाचन शाखा, मतलब कि ये जो आदेश निकला है आप ये समझिए इसमें चुनाव आयोग का आदेश होता है, ये किसी सरकार का आदेश नहीं होता। जैसे समर्थकों को और उनके जो प्रत्याशी हैं, जो उनके जो प्रस्तावक हैं, उनको ये बात समझना पड़ेगा, ये सरकार नहीं कर रही है, इस वक्त चुनाव आयोग चल रहा है और चुनाव आयोग के आगे सरकार नतमस्तक होती है, क्योंकि आचार संहिता में सारी सरकारों का पावर मैं कह सकता हूँ सीज हो जाता है। और ये आप सभी जानते हैं उस वक्त सरकार की नहीं चलती है, निर्वाचन का चलता है और निर्वाचन ही सबसे बड़ा सरकार होता है। और उस सरकार को देखते हो अगर निर्वाचन ने ये अगर निकाला है, इश्तिहार निकाला है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और उनको कहीं ना कहीं किसी रूप में अगर वो चाहते कि चुनाव लड़े तो 7 तारीख से पहले पहले उनको हाजिर होना पड़ेगा। साक्षी सर, लेकिन पहले भी जैसे उन्होंने ये बात कही, जयराम ने ये बात कही कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, विधानसभा घेराव के ऊपर जो उनको उनके ऊपर मुकदमा हुआ वो कह रहे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, अगर मुझे इसकी जानकारी पहले हुई होती, अगर कोई नोटिस मिला होता तो इस पर भी मैं एक्शन लेता, इस पर भी मैं कहीं ना कहीं रिहाई लेता। तो क्या लगता है कि किसी को दिक्कत है जयराम के नामांकन से राज्यसभा, मतलब राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, आपको क्या लगता है कि क्यों उसी वक्त ये मुद्दा हावी हुआ? नहीं नहीं, इसमें राज्य स्तर और केंद्र स्तर की बात करना गलत होगा, क्योंकि ये कानून का मामला है और कानून के मामले पर मैं ये बात बोलूँ, इस पे मेरा भी बोलना उचित नहीं है कि कानून के मामले पे अगर ये बताया गया है जयराम को कि कहीं ना कहीं कि उनको नोटिस सर्व किया, तो मैं आपको ये बता दूं जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे ये खबरें वायरल हो रही है, जयराम ने खुद उस वाले अपने नॉमिनेशन में ये लिखा है उस मामले पर कि जयराम को कहीं ना कहीं उसकी जानकारी थी। जयराम ने भले उस पर बेल नहीं लिया वो बात अलग, लेकिन नॉमिनेशन के फॉर्म में उसने उस डिटेल के बारे में लिखा, जो विधानसभा घेराव का मामला है उसमें जयराम ने लिखा है पूरा डिटेल्स, जो भी देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, जो भी नॉमिनेशन करने जाते हैं वो इस बात की, उनके जो वकील होते हैं, उनके जो लॉयर होते हैं, उनको इस बात की जानकारी होती है कि मेरे जो क्लाइंट है उनके ऊपर कितने मामले चल रहे हैं, धाराएं क्या क्या है उनके ऊपर में, किस मामले पे बेल लेना है, किस मामले पे मैं कानूनी पचड़ों में पड़ सकता हूँ, कहाँ मैं फंस सकता हूँ, ये सब उनके लॉयर जानते हैं। इसलिए सारे मामलों पर मैं ये बात हम और आपका अगर डिस्कस करें कि नहीं जानकारी हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 41A का नोटिस नहीं मिला ये बात जयराम बोल रहे हैं जयराम, लेकिन वहां जो अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने दिखाया कि ये नोटिस आपको दिया गया है, यहां पर पहुंच नोटिस का बताया गया। ठीक है, उनको सर्व नहीं हुआ या उनको नहीं मिला, ये उनके पक्ष की बात है, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में जयराम ने खुद दिखाया है कि कहीं ना कहीं वो जो मामला है वो उस जगह पर आपने भरा है। आपको जानकारी ना हो ये आपके लॉयर की गलती हो सकती है, इसमें गलती प्रशासन की नहीं हो। इसी निर्वाचन ने जो आज इश्तिहार निकाला है तो जयराम अगर भूमिगत हुए तो जयराम पर अब भारी
पड़ सकता है, क्योंकि जयराम को अब किसी भी रूप में सामने तो आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे जयराम तो जयराम, अब सीधे तौर पर मैं बात कर सकता हूं, जयराम के लिए दिक्कतों का सामना जयराम को करना पड़ सकता है। जो जयराम के समर्थक चाहते कि जयराम चुनाव लड़े, अगर जयराम सात को नहीं, सात तारीख उनके प्रस्तावक नहीं सामने, तो उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाएगा। तो ये उनके उनके समर्थकों के लिए बुरी खबर होगी साक्षी। कयास ये लगाया जाता, जो तस्वीरें हमने उस दिन बोकारो में देखी, कयास ये लगाया जाता कि वो हीरो ऑफ द डे थे, वो जीत भी सकते थे। चंद्रप्रकाश चौधरी कह रहे थे कुछ लोग कि उनको शायद उस दिन नींद भी नहीं आई होगी जब तस्वीरें देखने को मिली। और आपने जैसे कि अभी मेंशन किया था कि वो भीड़ सिर्फ बोकारो और धनबाद की भीड़ नहीं थी, वो झारखंड के कोने कोने से आई भीड़ थी। और हमने सर उस दिन वो तस्वीरें भी देखी कि लोग चंदा इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उस दिन दे रहे थे। और जयराम ने यह बात भी कही थी, तो अगर 7 तारीख से पहले वो मौजूद नहीं होते तो फिर हताशा निराशा तो कहीं ना कहीं समर्थकों में भी देखने को मिलेगा। ये उनके समर्थकों की बात मैं बता दूं, ये उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं निराशा होगी, हताशा मैं कह सकता हूं, ये निराशा उनके समर्थकों के लिए होगी। लेकिन जयराम के पास में जो बात है, फंडिंग की बात आपने जिस तरह से कहा, ये क्राउड फंडिंग देखा होगा आपने उस दिन, हमारे जो संवाददाता जो अभिषेक है, अभिषेक ने दिखाया कि कैसे जयराम के लिए क्राउड फंडिंग हो रही है। जिसके पास जितनी ताकत है, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, सब उस तरह से जयराम के लिए मदद कर रहे थे। तो क्या आज जो क्राउड फंडिंग जो वहां पर लोग इकट्ठा कर रहे थे, तो आज उनको कहीं निराशा नहीं होगी? तो ये जयराम को खुद सोचना चाहिए था, जयराम के सलाहकार को ये सोचना चाहिए था कि जयराम को भूमिगत ना होकर के जयराम को प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए था। और जयराम अगर उसी दिन सरेंडर हो जाते तो मैं कहता हूं 353 का मामला इतना बड़ा मामला नहीं था। 353 में उनको 2 से या 3 दिन या 4 दिन उनको बेल मिल जाती और चुनाव आराम से लड़ सकते थे। लेकिन अब जयराम के भूमिगत होने से उनके ऊपर 5 मामले दर्ज हो गए। अब आप उस मामले को बचाने के चक्कर में 5 मामला आपके ऊपर लग चुके हैं। आचार संहिता का उल्लंघन का मामला लग गया, आप भूमिगत हुए उसके मामले लग गए, आपके साथ ही फंस गए उस चक्कर में। तो आपको कम से कम ये चीज देखना, अगर आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप सरेंडर कर लेते, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरह से आपको सपोर्ट किया, प्रशासन ने आपको वहां से उठा करके जनसभा करने का परमिशन दिया। तो सीधा जनसभा करने के बाद जब प्रशासन का सपोर्ट करते, अपना समर्थन करते और आप सरेंडर कर जाते, तो आप आपके लिए एक सबसे बड़ी बात होती कि आपके लोगों तक मैसेज पहुंचता कि आपने एक जो काम है कानून के तहत, कानून के सम्मत काम किया और आपने सरेंडर कर दिया, तो कानून के सम्मत ही आपके साथ कार्रवाई होती। लेकिन अब आपने एक मामले को लेकर के आपने अपने ऊपर में 10 मामले डलवा लिए, जिसके लिए निर्वाचन आयोग, जैसे कल के रवि कुमार का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो भी इस पर संज्ञान ले रहे हैं कि इस पर क्या हो सकता है, वो भी अपनी कानूनी तौर पर देख रहे हैं कि निर्वाचन क्या कर सकते हैं। आखिर जयराम के ऊपर में और कितने मामले बन सकते हैं, क्या जयराम चुनाव लड़ सकते हैं? तो कल के रवि कुमार भी इस पर बैठे थे, मंथन कर रहे थे, और के रवि कुमार से जिससे बात हुई तो वो मंथन कर रहे हैं इस पर। और आज मंथन करने के बाद आपने देखा कि बोकारो की तरफ से आपने निर्वाचन ने अपना एक जो इश्तेहार जारी कर दिया, हिंदुस्तान के आपने देखा होगा उस पेपर एडवर्टीजमेंट में उसने डाल रखा निर्वाचन पे 2 एडवर्टीजमेंट के, ये भाई है और इतने तारीख उसको 7 तारीख को जितने प्रस्तावक है उसमें कुछ त्रुटि बताई गई है। उसके बाद उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया, उन मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उसी दिन से जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया है उस दिन से लेकर अभी तक उस पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ मैं ये बीच में आपको मैं पूछना चाहूँगी, आज तक जरा मैं तो दूसरों पर नियम कानून उल्लंघन का आरोप लगाते थे कि नेता बात नहीं मानते, उल्लंघन नहीं करते प्रशासन का साथ ही, तो क्या हमने तस्वीरों में देखा तो वो खुद भी तो इस वक्त वही करते हैं? नहीं, इस वक्त जयराम की गलती है। जयराम महतो ने इस वक्त प्रशासन का साथ ना देकर अपने गलती पर अपने माथे पर मैं कह सकता हूं एक ठीकरा फोड़ लिया। उनके गलती की वजह से उनके कुछ साथी फंस गए, जिसके वजह से जयराम को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और अगर जयराम को चुनाव लड़ना था तो जयराम को यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन ने उनकी पूरी बात मानी है। और मैं कह सकता हूं जो मामले और जो धाराएं उनके ऊपर लगाए गए थे, ये ऐसे मामले और धाराएं नहीं थे कि जयराम लंबे वक्त तक रह सकते थे। तो जयराम उस दिन अगर सरेंडर करते तो जयराम मुझे लगता है 2 से 3 दिन में जयराम को बेल मिल जाती, क्योंकि जो मामला था वो एक मैं कह सकता शांति भंग का मामला उनके ऊपर था और 353 का एक मामला बनता है। तो वो मामला उनको अगर मान लो मैं कह सकता लोअर कोर्ट से अगर उनको बेल नहीं मिलता तो हाई कोर्ट से उनको जरूर बेल मिल जाती। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात जयराम ने बना दिया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अब जयराम 7 तक, जैसे कि आज 3 तारीख हो गए, अब 2 से 3 दिन मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे और जहां भूमिगत है वो ऊपर आकर के शायद मुझे लगता है कि अपने समर्थकों के साथ, अपने प्रशंसकों के साथ वो बात करेंगे और बात करके वो सरेंडर करेंगे, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। अगर नहीं करते हैं तो जयराम के लिए और जयराम के समर्थकों के लिए कहीं ना कहीं ये बुरी खबर होगी और जयराम को कहीं ना कहीं इस मामले पर जो उनके प्रस्तावक है जो जिन जिन त्रुटि पर दी गई, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। जिस तरह से पेपर में आर्टिकल निकाला है कि जयराम का नाम लिखा है,
उनके पिता का नाम लिखा, गांव का नाम लिखा, और लिखा है कि आपके द्वारा 1/5/2024 को 6 जो अपना बूथ नंबर होता गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। तो आपके द्वारा जो प्रस्तावक ने उस सभी ने हस्ताक्षर किया, उस हस्ताक्षर पर निर्वाचन ने कहा मुझे लगता है कि संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। अच्छा। तो उसी हस्ताक्षर को लेकर के उन्होंने कहा है कि आपको मैंने सूचना दी गई है, इस संबंध में आपको अवगत कराते हुए लोकसभा निर्वाचन सहायक निर्वाची अधिकारी 2/5/2024 को अपराह्न 2:40 के बीच निर्देशन पत्र उल्लेखित आपके मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ये निर्वाचन की तरफ से ये जो कह सकता हूँ आर्टिकल जो उन्होंने डाला है, जो उनका इश्तिहार लगाया है उस पर ये छपा है। अब उसमें ये भी लिख रहे हैं जो मोबाइल नंबर उस पर लिख रहे हैं संपर्क किया गया परंतु आपके द्वारा नहीं उठाया गया उस नंबर पर प्रति उत्तर, लगातार वो लोग फोन लगा रहे हैं लेकिन आपके तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं अतः आपको सूचित किया जाता है या नोटिस आपके नाम पर निर्देश पत्र में उल्लेखित पते एवं 4 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। मतलब इस पेपर के अलावा 4 दैनिक समाचार पत्रों में ये इश्तिहार जारी किया गया, मतलब उनके खिलाफ जो है मैं लिखा गया उनके लिए। सूचना प्रकाशन के पश्चात आपके नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावक एवं उनके वैध पहचान पत्र, मतलब उनके जो भी वैध पहचान पत्र हैं, जो आईडी प्रूफ है उनका, उनको लेकर के उनके हस्ताक्षर सहित समक्ष समीक्षा की तिथि अर्थात 7/5/2024 को 11 बजे से 12:30 बजे के बीच आपको उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि उनके जितने प्रस्तावक हैं उनको उस दिन वहां पर मौजूद रहना पड़ेगा। अगर वो मौजूद नहीं रहेंगे तो इसके बाद तो आपको भी पता है कि आगे निर्वाचन क्या कार्रवाई कर सकता है। लेकिन निर्वाचन की तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी निभाई जा रही है, वो पूरी 100% देखिए कभी कल किसी के ऊपर कोई आरोप ना लगे। आरोप का दौर होता है क्योंकि पता है जब, क्योंकि सरकार किसी की नहीं है और निर्वाचन भी तो उस तरह का काम करे कि निर्वाचन के ऊपर कोई आरोप ना लगे। तो इसलिए ऐसे मेरे को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं किसी रूप में उस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान के साथ में इस पर फोकस जयराम को करना चाहिए और जयराम को डिसीजन लेना चाहिए। साक्षी सर, एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि अब पार्टी में फूट की बात भी सामने आ रही, मतभेदों की बात सामने, धनबाद से अब करण महतो जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करें तो फिर ये भी तो फिर कई सारे सवाल कहीं ना कहीं फिर जयराम महतो और उनकी पार्टी पे भी खड़े हो रहे हैं। देखिए ये उनका दूरी मामला है, ये उनके पार्टी में किसी तरह का फूट, क्योंकि अभी तक किसी तरह का बयान कोई आया नहीं है। अब हर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हो सकता है करण महतो को अंदर दिली इच्छा हो चुनाव लड़ने की, टिकट ना मिली हो, तो वही उनका पार्टी के अंदरूनी मामला है। करण महतो चुनाव लड़े उसमें वो तो वो जानते होंगे, लेकिन अगर पार्टी में फूट की बात आ रही है तो करण महतो ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जयराम के खिलाफ या जयराम के लिए बोला, तो इस तरह बोलना अभी उचित नहीं होगा। क्योंकि ये जो है आपस में हो सकता है कि जयराम से बात हुई हो या जयराम के खिलाफ वो मैंने जिस तरह से बात करके जेबी केसेस से थे अब वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की भी बातें सामने नहीं आई, तो इस पर बोलना उचित नहीं होगा। साक्षी सर, एक संक्षेप में आप आखिरी, आपको क्या लगता है कि जयराम महतो ने जो डिसीजन लिया कहीं ना कहीं वो गलत था, उनको अगर आगे अगर वो रणनीति बनाते तो उन्हें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए ये बोलना रणनीति और मैं कह सकता हूँ कि बोलना उचित नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि प्रशासन को उनको सपोर्ट करना चाहिए था और प्रशासन की तरफ जिस तरह से प्रशासन ने उनको समर्थन किया सपोर्ट किया उसी तरह प्रशासन को उनको सपोर्ट करके अगर वो सरेंडर करते तो शायद आज ये बात सामने नहीं आती और पेपर में इस तरह का उनके लिए आज एडवर्टाइजमेंट नहीं छपता कि वो 7 तारीख को या मौजूद हों। उनसे फोन पर उनके द्वारा बात होती और निर्वाचन उनको बुलाता और उनके सारे लोगों प्रस्तावकों का वो डिटेल चेक कर लेते, वहाँ बात खत्म हो जाती, लेकिन अब तो पेपर में उनके खिलाफ निकल चुके। तो इसलिए कहीं भी भूमिगत हो सकता है कि वो सामने सरेंडर कर दे, लेकिन उनके जो प्रस्तावक है अगर वो सरेंडर नहीं करते तब भी उनके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब उनको भी सरेंडर करना पड़ेगा और उनके प्रस्तावकों को भी सामने आना ही पड़ेगा साक्षी, क्योंकि ये मुश्किलें सबके लिए सबके लिए मुश्किलें बढ़ गई। इसलिए अब ये अच्छा हो उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं भविष्य में और वो कुछ बनना चाहते हैं लोकसभा जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतकर वो सामने लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसके लिए तो उनको जनता के बीच में आना पड़ेगा और यहाँ निर्वाचन ने जब उनको बुलाया तो वहां भी उनको आना पड़ेगा। साक्षी उम्मीदें बहुत सी जुड़ी हुई हैं सर, बहुत से लोगों की वहां पे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो गांव के दूर दूर से गरीब गुरबा लोग उनके समर्थन में आए थे उनकी उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए सीधे तौर पे सबका यही मानना है कि उस दिन जो तस्वीरें हमने देखी और हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने भी हमें तस्वीरें दिखाई थी कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने 10-10 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठा करके उन्हें सहयोग किया था। तो जो एक नेता होता है जनता की यही मांग होती है हमेशा कि हमारे नेता हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारे लिए कुछ करके दिखाए। तो जब से वो भूमिगत चढ़े तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो जयराम महतो पर ही टिकी हुई है कि आखिरकार वो कब आते, क्योंकि जिस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से आज पेपर में तैयार भी निकाला गया है, उनसे बोला गया है कि 7 तारीख के पहले उन्हें
वहाँ पे मौजूद रहना, अगर वो वहाँ पे नहीं आते हैं तो फिर आगे क्या निर्वाचन आयोग एक्शन लेता है, क्या नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, फिर जो लोग हैं उनकी आस भी कहीं ना कहीं टूटते नजर आएगी। कैमरामैन रजा हैदर के साथ मैं साक्षी पांडे, TV45 धनबाद।